हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेल और आज से मैं आपके साथ शेयर करूंगा फार्माकोजिलंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज जो कि आपका बी फार्मेसी एट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इसमें हम देखेंगे शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि इन क्वेश्चन को कितना और कैसे लिखना है सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिनस विद अवर टूडेज वीडियो सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसको हम ए डी आर भी बोलते हैं एंड एडवर्स ड्रग इवेंट सिंपली आपको इस क्वेश्चन में एडवर्स ड्रग रिएक्शन को डिफाइन करना है और उसकी बेसिक डेफिनेशन है एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन और ए डी आर कैन बी डिफाइंड एज हार्मफुल और अनप्लीजेंट रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंटरवेंशन रिलेटेड टू द यूज ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट सिंपल इसका मीनिंग है अगर कोई आप ड्रग लेते हैं और मेडिसिन लेते हैं और वो सेफ नहीं है आफ्टर कंज्यूमिंग वो अगर कोई हार्मफुल और अनप्लीजेंट रिएक्शन बॉडी में शो कर रहा है तो उसको सिंपली हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलेंगे देन इसी क्वेश्चन में आपके एक डेफिनेशन है एडवर्स ड्रग इवेंट सो एडवर्स ड्रग इवेंट आर डिफाइंड एज एनी इंजरीज रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिकेशन यूज इंक्लूडिंग फिजिकल हार्म मेंटल हार्म और लॉस ऑफ फंक्शन हमने देखा था एडवर्स ड्रग रिएक्शन में अगर कोई अनप्लीजेंट रिएक्शन बॉडी में शो हो रहा है आफ्टर कंज्यूमिंग एनी मेडिसिन उसको हम ए बोलेंगे और एडवर्स ड्रग इवेंट जिसमें हम अगर कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं और एनी इंजरीज़ उसमें हमको देखने को मिल रही है आफ्टर मेडिकेशन यूज तो इसको हम एडवर्स ड्रग इवेंट बोलेंगे देन सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन आइडियोसिनक्रेसी बेसिकली आइडियोसिनक्रेसी इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अनयूजअल और एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू अर और मेडिकेशन दैट इज़ नॉट नॉर्मली सीन इन द जनरल पॉपुलेशन देन क्वेश्चन थर्ड है हमारा वॉट इज इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस जिसको ड्रग इंटॉलरेंस और ड्रग सेंसिटिविटी भी बोलते हैं इसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू टॉलरेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ मेडिकेशन जनरली एट थेरोपेटिक और सब थेरोपेटिक डोसेस देन क्वेश्चन फोर है राइट वेरियस रीजनल सेंटर ऑफ पी वी पी आई पी वी पी आई मीन्स फार्मोकोविजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया क्या है देन उसके कौन कौन से रीजन है तो देर आर सिक्स रीजनल सेंटर फॉर इंडिया मॉनिटरिंग इन द कंट्री जो कि है इस्टेब्लिश है मुंबई में न्यू दिल्ली में कोलकाता लखनऊ पाण्डिचेरी एंड चंडीगढ़ ये आपको इसमें मेंशन करना है देन क्वेश्चन फाइव है क्लासिफाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लिखना है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है दैन उसको क्लासीफाई करना अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी देर आर वेरियस क्लासेस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन ऑनसेट ऑफ इवेंट जिसमें आएंगे एक्यूट सब एक्यूट और लेटेंट देन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शन उसमें आएगा रॉलिनस एंड थॉम्सन क्लासीफिकेशन जो कि 1991 में इन्होंने दिया था जिसमें है टाइप वन जिसको हम बोलेंगे ऑगमेंटेड रिएक्शन टाइप बी बिजारे रिएक्शन टाइप सी क्रॉनिक रिएक्शन टाइप डी डिलेट टाइप रिएक्शन और टाइप ई एंड ऑफ ट्रीटमेंट देन बेस्ड ऑन सेवेरिटी इसमें आएंगे क्लासेस माइनर मॉडरेट सीवियर एंड लीथल और एक क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कूड टेक प्लेस इन एनी पेशेंट और इन अ स्पेसिफिक ससेप्टेबल पॉपुलेशन तो ये सब क्लासीफिकेशन है बट अपनों को पूछा है बेस्ड ऑन सेवेरिटी तो हम लिखेंगे माइनर मॉडरेट सीवियर और लीथल देन शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट टेराटोजेनेसिटी विथ एग्जाम्पल्स सो टेराजन इज एनी एजेंट दैट काउज एन एबनॉर्मेलिटी फॉलोइंग फेटल एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसमें आप एग्जाम्पल मैंशन कर सकते हैं थैलिडोमाइड वॉज यूज टू ट्रीट मॉर्निंग सिकनेस एक्सेट्रा देन अब हम आ जाते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट है डिस्कस अबाउट हिस्ट्री डेवलपमेंट एंड स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस को यहाँ पे पी वी मीन्स फार्मोकोविजिलेंस है सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री को मेंशन करना है देन उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसकी स्कोप क्या क्या है फार्माकोविजिलेंस के देन क्वेश्चन टू है एक्सप्लेन अबाउट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट अगेन हिस्ट्री आपको मेंशन करनी है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ फार्माकोविजिलेंस का विथ स्पेशल रेफरेंस टू फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया यह आपको इसमें मैंशन करना है देन क्वेश्चन थर्ड है डिफाइन एंड क्लासीफाई एडीआर हाउ विल यू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन अलॉन्ग विथ कैजुअलिटी एंड सेवेरिटी असेसमेंट सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखनी है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की उसका होल क्लासिफिकेशन लिखना है जो कि हमने देखा डिपेंडिंग ऑन ऑनसेट ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन सेवेरिटी ये सब आपको डिटेल में मैंशन करना है देन हम डिटेक्ट कैसा, कैसा करेंगे और रिपोर्ट कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काउलिटी एंड सेवेरिटी असेसमेंट यह आपको इसमें डिटेल में मैंशन करना है देन लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सो ये सब क्वेश्चन थे हमारी यूनिट वन के जिसमें हमने शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट टू के क्वेश्चन को समझेंगे